भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के जल्दी दस्तक देने का अनुमान जताया है। IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 15 मई 2022 के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और उसे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने की संभावना है। बारिश के साथ तेज हवा भी। आमतौर पर केरल में मानसून की सामान्य शुरुआत की तारीख 1 जून है। अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक हल्की मध्यम बारिश होगी। इस क्षेत्र में 14 से 16 मार्च तक भारी बारिश का अनुमान है। 15 और 16 मार्च को दक्षिण अंडमान सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भविष्यवाणी की गई है। IMD ने इन क्षेत्रों में बारिश की भविष्यवाणी की है। अगले 5 दिनों में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में व्यापक रूप से हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आसाम और मेघालय में 12 से 16 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 12 मई को भारी बारिश हो सकती है और 13 से 16 मई के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों में केरल, माहे और लक्षद्वीप में व्यापक रूप से हल्की बारिश की भविष्यवाणी की गई है। तेलंगाना, उत्तर आंध्र कर्नाटक और तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में अगले 5 दिनों में छुटपुट बारिश होने की संभावना है। तटीय और दक्षिण आंध्र कर्नाटक और तमिलनाडु में 12 और 14 मई को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।